ये आपका एक सवाल है कि 636 योगफल प्राप्त करने के लिए इस श्रेणी के कितने अंक लेने चाहिए, यानी हमें n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, देखिए हल लिखिए, पहले तो इनके श्रेणी लिखिए, जो श्रेणी आपको दी रही है 9, 17, 25 डॉट डॉट करके है। तो आपको मैंने बताया था ना कि ये जो पहला लिखा रहा था यही a है, तो a बराबर आपका हो गया 17 और d निकलना है, तो इसको a1 इसको a2 बोलते हैं, तो a2 माइनस a1 इसमें से इसको घटा देंगे, यानी 17 में से 9 हम घटा देंगे तो 8, और ये हमारा हो गया d का मान। ठीक है, अब हमें sn दे रखा है, sn बराबर दे रखा है 6, 3, 6। ठीक है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, तब हमारा फार्मूला होता, आपको बताया हमने पिछले शुरू में भी बताया था कि फार्मूला आप देखिए, तो n अपान 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, बराबर sn, वही sn यहाँ दे रखा है, तो हम लिख देंगे 6, 3, 6। क्लियर है बात, तो देखिए, तो अब इनको हल कर दीजिए, तो n बटा 2 का लिखेंगे, n अपान में 2 बड़ा कोष्टक लगा देंगे, अब 2, अब यहाँ a है, ये 9 नहीं लिखा, a है, ए का मान कितना है, 17 है, तो आप मान यहाँ पर रख दीजिए 17, ये 17 नहीं है, ए बराबर 9 है, सॉरी यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गलती हो गया, ये है 9, ए बराबर है 9, तो हम इसकी वैल्यू हम रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे 9 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान आपने ले लिया था 8। ठीक है, अब बराबर आप लिख सकते हैं, ये लिखते जाएंगे। ठीक है, तो बस करिए, n बटा 2 9 दूनी 18, इसमें गुणा करिए तो 8n और माइनस 8। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 36। ठीक है, तो n अपान में 2 बराबर, अब देखिए 18 है, इसमें 8 घटा दीजिए। ठीक है, तो 18 में से 8 घटा देंगे तो बचेगा 10, तो पहले इसको लिख देते हैं 8n, x नहीं है, n है, n और प्लस का हो जाएगा 10। ठीक है, अब बराबर कितना हो गया, ये हमारा संख्या हो जाएगा। देखिए आगे, तो इसको क्या करेंगे हम, 2 से चाहे तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, या 2 से ही कट जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे कि दोनों से गुणा करिए तो 8, और 2 से कटा देंगे तो क्या, पहले लिख दीजिए ऐसे ही 8n स्क्वायर बटा में 2 और प्लस 10n बटा में 2 बराबर 6, 3, 6। अब इसको काट सकते हैं हम, तो क्या हो जाएगा 4n² प्लस ये भी कट जाएगा तो 5n, इसको इधर ला दीजिए 6, 3, 6 बराबर 0, एक बन गया का आपका द्विघाती समीकरण। तो द्विघाती समीकरण में आपको समीकरण पढ़ें सवाल, तो इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और इसका हम मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ने पर या घटाने पर इसके बराबर लाते हैं मध्य पद को बांट के, तो देखिए लिखेंगे 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 6, 3, 6 बराबर 0, इन दोनों गुणा करेंगे तो हमें दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, और इसमें से घटा देंगे 53 में से 48 को, तो हमें 5 मिल जाएगा, जो हमें इसकी ज़रूरत थी। तो इसमें से अब आप कॉमन ले लीजिए, तो हम कॉमन का ले लेंगे, देखिए इसमें क्या कॉमन है, n कॉमन है, तो n हमने कॉमन ले लिया, तो 4n प्लस बच गया 53, और दूसरे माइनस 48 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच गया 48 नहीं लेंगे हम, कॉमन लेंगे 4। ठीक है ना, इसमें हम कॉमन ले लेंगे 12, 12 के पड़े में भी आएगा, 12 के पड़े में भी आएगा, तो n, तो यहाँ बच जाएगा 4n और प्लस 53 बराबर 0। क्लियर है बात, तो अब देखिए एक ये दोनों बराबर हैं, तो दोनों जब बराबर, तो एक कॉमन ले लेंगे, तो 4n प्लस 53 और एक में क्या बचेगा, n माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, तो बस आपका सवाल होने का है, तो इसको लिखेंगे 4n प्लस 53 बराबर 0 या n माइनस 12 बराबर 0, तो यहाँ पर लिखेंगे n बराबर, ये माइनस हो जाएगा, तो जाएगा 53 अपन में 4, ऐसा करेंगे या n बराबर 12, तो देखिए माइनस भेद तो भिन्नात्मक, माइनस में मान है, किस में है, ये माइनस में है। ठीक है,
तो हम माइनस को नहीं लेंगे तो हम प्लस में लेंगे, तो हमारा ये हो जाएगा आंसर, यानी एन बराबर कितना हो जाएगा 12, 12 अंकों को हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर इतना आ जाएगा। ठीक है, तो एक और आपके सामने की एग्जांपल है कि श्रेणी के इतना घटते क्रम में है कितने पद ले जाएँ कि इनका योगफल क्या हो जाए 78 ले जाए। तो आपको यहाँ पे यानी ए ए बराबर कितना है 24, पहला पद को हम मानते हैं और हमें डी निकालना है, तो 21 अब माइनस 24 यानी घटा देंगे तो माइनस हो जाएगा 3। ठीक है, और एस एन का मान आपको दे रखा है 78, क्लियर है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है एन, एन की वैल्यू ज्ञात करना है कि कितनी संख्या ऐसे लिए जाएंगे जिनको जोड़ने पर क्या हो जाएगा 78 हो जाए। तो आपको फार्मूले पिछले सवाल में बताया था, यहाँ पे देखिए फार्मूला बार बार लिखेंगे आपको याद हो जाएगा, एस एन बराबर एन अपन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा होता है फार्मूला। तो बस एस एन का मान आपको दे रखा है, जिसका जिसका वैल्यू दिया है ना उसके उसके जगह पर आराम से आप लिख दीजिए। तो इसका दिया है 78 बराबर एन अपन टू और टू ए की जगह पर 24, ये प्लस का चिन्ह है, और n माइनस वन इंटू डी की जगह पर माइनस 3, क्लियर है। चाहे इसको पहले लिखें चाहे बाद में लिखें कोई फ़र्क नहीं है, आंसर वही आएगा। ठीक है, तो लिखिए 78 बराबर n अपन टू, इसका पहले गुणा कर दीजिए 48 प्लस 3 से गुणा करेंगे तो माइनस n हो जाएगा, माइनस 3n और प्लस 3 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब घटा दीजिए 76 बराबर एन अपान में टू, तो इसमें से एन नहीं है सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस में हो जाएगा, तो इसमें जोड़ दीजिए तो 8 3 11, ये कितना हो जाएगा 51 अब माइनस 3 एन हो गया, इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, ये बटा में है पूरे में मल्टीप्लाई, तो इधर इसको इधर भेज देंगे तो इसका भेजेंगे तो यहाँ गुणा हो जाएगा, तो लिख देंगे कि 6 2 12 और 7 14 15, इतना बराबर एन खत्म हो गया। तो अब इसका गुणा करिए तो क्या हो जाएगा 51n माइनस 3 और क्या हो जाएगा n स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो आप क्या करिए कि इसको इधर पक्षांतर करिए तो क्या हो जाएगा 3n स्क्वायर, ये माइनस में हो जाएगा 51n और ये प्लस में रहेगा 152, तीन के पहाड़े में दोनों कटेंगे तो n स्क्वायर माइनस ये जाएगा 17n और प्लस प्लस ये हो जाएगा, देखिए ये मिसिंग हो गया था, ये 78 था, ये 78 था, ठीक है ना। तो 8 2 16 56 हो जाएगा, यहाँ कितना होगा 56, तो इसको कटा दीजिए, 3 कॉमन ले लिया हमने तो क्या हो गया ये 5 और 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको गुणनखंड कर लीजिए, तो देखिए इसका पहले पढ़ेंगे 17 13 14 52 होता है, तब इसमें करके एन स्क्वायर माइनस यहाँ पर लिख दीजिए आप 17 तो 13 एन और माइनस ये हो जाएगा, प्लस कर दीजिएगा 4n, दोनों में माइनस होगा तभी हो जाएगा, आप प्लस कितना हो जाएगा 52, तो यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे कॉमन का हम लेंगे n कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा n माइनस 13, यहाँ माइनस 4 कॉमन लेंगे तो n माइनस 13 यहाँ भी हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक सारा समझ में, देखिए दोनों ही बराबर हो जाते हैं, तो n माइनस 13 बराबर 0 या n माइनस 4 बराबर 0, इसको एक लाइन और लिखना तो कॉमन लेंगे कि n माइनस 13 और एक में हो जाएगा n माइनस 4, ठीक है बराबर 0। तो हम लिख देंगे कि n बराबर 13 या n बराबर 4, ये हमारा आंसर होगा, या तो संख्या 13 ले लीजिए या तो 4 ले लीजिए। तो देखिए ऐसे पूर्णांक याद करना, 40 धन पूर्णांक लेने जो 6 से का हो विभाज्य हो, अभी अंक में नहीं दिया है तो 6 से विभाज्य मतलब 6 फिर 12 फिर 18 ऐसे करके हमें लेने हैं कहाँ तक, तो 40 पौधों तक लेना है, 40 पौधों तक, ठीक है ना, 40 पदों तक लेने हैं जिनके जोड़ने पर इनका योगफल हमें ज्ञात करना है। तो अब आपको बताए ना कि ए जो पहला अंक होता है वही क्या होता है ए, तो ये हो गया, और डी बराबर 12 में 6 घटा दीजिए तो 6 या 6 से विभाजित, तो वो आपको यहीं से पता लग जाएगा कि डी का मान कितना है। ठीक है, तो अब हमें ये हो गया, और एन का मान दे रखा कितने पदों को जोड़ना है, हमें 40 पदों को जोड़ना है,
तो इनका भी मान मालूम है, तो ये फार्मूला होता है कि एस एन बराबर एन अपान में टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसको जोड़ेंगे हमें क्या हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा। तो निकालिए 40 पदों तक, तो एस एन के मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे 40 पदों तक, तो यहाँ पर क्या लिखना हमें 40 बटा में दो, दो और ए की जगह पे 6 है प्लस एन की जगह पे 40 माइनस वन आई इंटू डी, डी का मान है 6। ठीक है, इसे चाहे तो यहाँ काट सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह हो जाएगा 20, 6 दूनी 12 प्लस यहाँ से घटा देंगे ये हो जाएगा 39 और गुणते 6, पहले इसका गुणा ही करेंगे। ठीक है, तो फिर ये 20 अब कर दिए 12 और प्लस करिए 6 नवा 54, 5 और 6 18, 6 18 8 पन 23। तो क्लियर है इतना। अब इसका क्या करिए कि इसको पहले जोड़ दिए थे 4 और 2 6, 3 और 1 4 और 2 2 4, ये हो गया। इसमें आप गुणा करना है 20 से, 20 से गुणा करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो एक जीरो रख दीजिए और दो का पहला कर दीजिए, दो छः का 12 और दो चौके 8 एक 9 और दो चौके 8 एक, दो चौके 8 ही हो जाएगा, कैरी नहीं आ रहे हैं, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। दो चौके 8, देखिए यहाँ से थोड़ा सा मिसिंग हो गया था, इसको मैं ठीक कर दे रहा हूँ। ये 20 ये जोड़ेंगे ना तो 4 2 6 ही हो जाएगा और 1 3 1 4 हो गया, ये 2 ही होगा। ठीक ना, समझ चुका। तब यहाँ से गुणा करते जीरो रख दीजिए, 2 6 2 6 12 और 2 4 8 9 और 2 2 4, ये आपका हो जाएगा आंसर।